ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ 24 ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੋ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 14ਵਾਂ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹੰਸਾ ਪਲਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਵਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ अज का यह प्रोग्राम जोड़ा ये असी इनवाइटड हाँ गुलशन जी ने सानू इनवाइट किया प्रोग्राम जोड़ा ये इंडिया नेपाल दे कराटे टूरनामेंट जोड़ा हर साल की तरह कराया जाता है और असी अभी विश्वास फाउंडेशन चैरिटेबल सोसायटी बटाला वालों हंसा पैलेस के कराटे टूरनामेंट जोड़ा वो इनवाइट स पहला यह प्रोग्राम जोड़ा ये संत फ्रांसिस स्कूल हुंदा सी किसी कारण करके इस वारी ये हंसा पैलेस विच हो रहा है मेरे नाल मेरी पूरी टीम जिहड़ी है साडे वाइस प्रधान ने राकेश सेठी जी सहगल साहब ने डॉक्टर रोमी जी ने प्रिंस मेहरा जी ने बॉलीवुड स्टार ने और
रोहित जी ने, राजन जी ने, नितिन जी ने, सनी जी ने, जिहड़े बजरंग दल हिंदुस्तान के जिले के प्रेजिडेंट ने, साढ़े नाल मेरे सोसाइटी के वाइस चेयरपर्सन राजविंदर कौर भट्टी जी, ये गुड़िया साड़ी, ये नाल सुरजीत मैडम ने, माता कांता जी ने, अनीता बेटी ने, जिहड़े साड़ी सोसाइटी के वाइस चेयर अपना वाइस प्रधान ने लेडीज़ विंग के। बड़ा अच्छा लगा अज इत्थे आ के, क्योंकि बच्चों के विच बड़ा उत्साह, कराटे टूरनामेंट जिहड़ा होया उहदे विच बच्चों नू गोल्ड दे, कांसे दे, सिल्वर दे मैडल जिहड़े ने वो दिते गए ने, और बच्चों की हौसला अफजाई की गई है। उहदे विच बच्चे जिहड़े ने बहुत ज़्यादा खुश ने, हर बच्चा जिहड़ा वो इस कराटे टूरनामेंट च आ के वो बड़ा अच्छा ते प्राउड फील कर रहे। सर, यूथ नू की सुनेहा देना चाहोगे जिहड़ा अज दा यूथ है मैं अपने वालों, अपनी सोसाइटी विश्वास फाउंडेशन वालों, मैं नौजवान पीढ़ी को यह संदेश देवगा कि वह वध चढ़ के ऐसे प्रोग्राम के हिस्सा लैन, कुरीतियां नूं छड्डन, जो नशा है, नशा तो किसी का सक्का नहीं, कभी किसी ने नशे में कुछ नहीं पाया, घर की बर्बादी है, अपनी बर्बादी है। मैं रिक्वेस्ट करांगा नौजवान पीढ़ी को, बेनती करांगा कि ये माड़िया कुरुतियां छड़ के वो इन प्रोग्रामों के हिस्सा लैन, जिदे मान सम्मान मिलता, इज्जत मिलती है, और माँ प्यो का भी जो फख्र सिर उच्चा होता है। मेरा नाम गुलशन कुमार मेहरा है, तो मैं लगातार 16 साल तो ये 14वीं इंडो नेपाल कराटे चैंपियनशिप करवा रहा हूँ। यह हूँ तक मेरा 14वां इंडो नेपाल है, इस तो पहला भी मैं 2-3 चैंपियनशिप करवा चुका। नहीं, ये जिन्ना भी अरेंजमेंट होता मैं खुद करता वा। हाँ, बटाले के जो 4-5 लोग है वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, इतने घट्टो घट 1.5 लाख का खर्चा आया, जिसे मैं 1 लाख रुपया हूँ तक ला चुका वा। तो चलो, मैं कोई बचता तो नहीं, पर मैं कवर कर जाता वा कि छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट मिलता कि नेपाल तो टीम आ रही है, दिल्ली तो, हरियाणे तो, राजस्थान तो, पूरे पंजाब तो प्लेयर आए हैं, घट्टो घट 250 प्लेयर आए इतने। गल की जाए 250 प्लेयर आया वा, उन्होंने जोड़ा वा जो आते हैं वो तो काफ़ी मोटिवेट होते हैं, जो यूथ मतलब एक एडिक्शन के आदि हो गए हैं, किसी ड्रग के आदि हो गए हैं, सोसाइटी यूथ में की सुनेह देना चाहोगे? मेरे हूँ तक 30 साल के कैरियर से मैं हजारा बच्चों को कराटे करा चुका हाँ, जेडे हूँ तक मेरी गेम ना जुड़े है वो मैनू नहीं लगता कि कभी नशे वाल भी गए हो, क्योंकि उन्होंने ख्याल फिर गेम वाले पास हो जाता। अगर कोई बच्चा भी गेम करता वा वो नशे तो दूर हो जाऊगा, कोई भी गेम कर ले, इन की कराटे ही करे। अरे मैडम, लगता आपको अपनी धरती से प्यार नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हमारा रोजी रोटी इस दरिया से चलती है, पर आज प्लास्टिक के कचरे में समुद्र घुट घुट के मर रहा है। प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में कई 100 साल लगते हैं। अगर आप प्लास्टिक कम यूज करो ना, तो हमारे और इन जीवों के जीवन में थोड़ा खुशी आएगा। हाथ जोड़ने विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे। समझ गई मैडम, अगर आप प्लास्टिक रियूज नहीं कर सकती तो उसे रिफ्यूज कीजिए और ये थैला यूज कीजिए। खादी का है। थैंक यू सर, आज से नो प्लास्टिक बैग। वाह, क्या बात है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से, हम सबको भी करनी है। हर दिन ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।